आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कंपनी में नौकरी के लिए गए हो और रिटर्न राउंड में आपको जो टेस्ट पेपर दिया जाए उसमें एक भी क्वेश्चन ना हो, पर आपको बोला जाए कि आपको एक घंटे में टेस्ट खत्म करना है वरना नौकरी गई आपकी? हैरत में पड़ गए ना? जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी भी ऐसी ही कुछ है। फिर से आप सभी का आपके फेवरेट मूवी रिकैप चैनल सिनेमा कैफे में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत है और आप सब मजे में हैं। फिल्म की शुरुआत में नौकरी पाने की उम्मीद में आए 8 कैंडिडेट्स को एक बिना खिड़की के और चारों तरफ से बंद एग्जामिनेशन हॉल में एक एक करके अंदर आते हुए दिखाया जाता है, जहां चार चार की संख्या में दो की कतार में 8 डेस्क और चेयर्स रखे रहते हैं। हमें पता चलता है कि लाखों लोगों में से बस इन 8 लोगों को एक वर्ल्ड फेमस फार्मास्यूटिकल कंपनी के टॉप पोजिशन में नौकरी के लिए सिलेक्ट किया गया है। और ये फाइनल रिटर्न टेस्ट आखिरी राउंड का सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसको क्लियर करने के बाद इनको सीधे ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। हर कैंडिडेट एक सीट अपने पसंद से चूज करके बैठ जाता है और देखता है कि उनके सामने डेस्क पर एक ब्लैंक पेपर रखा हुआ है, जिसमें कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3, ऐसे करके कैंडिडेट 8 तक लिखा रहता है। जब सारे कैंडिडेट्स अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं, कुछ ही समय बाद एग्जाम का इन्विजिलेटर एग्जाम हॉल के अंदर आता है और एग्जाम के रूल्स और नियमों को सबको समझाना चालू करता है और बोलता है कि सब बहुत ध्यान से सुने। एग्जाम हॉल के अंदर सिर्फ कंपनी के नियमों का ही पालन किया जाएगा और कोई भी अपने नए नियम नहीं बना सकता। कैंडिडेट्स ना तो इन्विजिलेटर से ना ही कमरे के अंदर तैनात गार्ड से किसी भी तरह का कोई भी संपर्क या फिर बातचीत नहीं कर सकते। पेपर को वो बिल्कुल भी गंदा नहीं कर सकते और किसी भी कारण टेस्ट के दरमियान वो कमरे के बाहर नहीं जा सकते। अगर किसी एक भी नियम का कोई भी उल्लंघन होता है तो वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और एग्जाम हॉल से उसे उसी वक्त निकाल दिया जाएगा। टेस्ट में उनको बस एक सवाल का जवाब देना है। ये सब बोल के इन्विजिलेटर कैंडिडेट से पूछता है कि उनके पास कोई सवाल है कि नहीं। एग्जाम हॉल के घड़ी को 80 मिनट्स पर सेट करके इन्विजिलेटर कमरे से बाहर चला जाता है। इन्विजिलेटर के कमरे से बाहर जाते ही कैंडिडेट्स पेपर को उलट के देखते हैं और पाते हैं कि पेपर बिल्कुल कोरा है, उस पर एक अक्षर भी नहीं लिखा होता है। ये देख के सब बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और एक दूसरे को हैरानी में देखते हैं। एक चाइनीज लड़की कैंडिडेट पेपर में लिखना शुरू कर देती है। वो लिखना शुरू करती है, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि ये नौकरी मुझे ही मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लिखते लिखते ही कमरे में तैनात गार्ड आता है और चाइनीज लड़की को कमरे से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने पेपर में लिख के पेपर को गंदा कर दिया होता है, जो कि टेस्ट के दूसरे नियम का उल्लंघन है। अब तक सब चुप थे, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था, मगर अचानक से एक गोरा कैंडिडेट हिम्मत करके अपने चेयर से उठ जाता है और इस जटिल समस्या को सुलझाने के लिए सबसे बात करना शुरू कर देता है, इस उम्मीद में कि टीमवर्क से शायद कोई हल निकल आए और उन्हें किसी भी तरह ये मालूम पड़ जाए कि इस एग्ज़ाम का सवाल आखिर है क्या। हालांकि गोरे कैंडिडेट के बातचीत करने का स्टाइल कड़वा और सबके प्रति थोड़ा अपमानजनक टाइप का होता है। वो बोलता है कि कोई भी अपना असली नाम किसी को नहीं बताएगा और सबका नामकरण भी कर देता है कि वो एक दूसरे को किसी नाम से पुकार सके। वो खुद को वाइट बुलाता है, इसी तरह 3 बचे लड़कियों को वो ब्लॉन्ड, ब्रुनेट और डार्क नाम देता है, उनके हुलिये से मिलता जुलता। इसी तरह वो बाकी 3 लड़कों को ब्लैक, ब्राउन और डेफ नाम देता है। इसके बाद साथ मिलके सब सवाल खोजने में जुट जाते हैं। पहले तो वो पेपर में किसी तरह के कोई गुप्त हिडन मैसेज की खोज में लगते हैं। वो क्वेश्चन पेपर को कमरे में लगे ट्यूबलाइट्स के सामने रख के जांचते हैं, जिससे कि अल्ट्रावायलेट लाइट्स निकल रहा होता है। फिर वो ट्यूबलाइट्स को तोड़ देते हैं, इससे कमरे में लगे इमरजेंसी लाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर वो इमरजेंसी लाइट्स को भी तोड़ देते हैं, जिससे इंफ्रारेड लाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, मगर इन सबसे कुछ फायदा नहीं होता है और उन्हें कोई भी पेपर में छुपा गुप्त सवाल नहीं मिलता है। इसके बाद वो अपनी कोशिश जारी रखते हैं और जुगाड़ू बुद्धि लगाना शुरू कर देते हैं। उन्हें यह समझ आता है कि खुद के पेपर को तो गंदा नहीं कर सकते, क्योंकि मनाही है, हाँ, मगर वो एक दूसरे के पेपर को जरूर गंदा कर सकते हैं और ये किसी भी तरह से नियम का कोई उल्लंघन नहीं होगा। वो एक दूसरे के पेपर्स में मुंह का थूक लगाना शुरू कर देते हैं, इस उम्मीद में कि लिक्विड की मदद से शायद कोई छुपा हुआ मैसेज या सवाल पेपर में उभर आए, मगर उसमें भी वो नाकामयाब होते हैं। वाइट कुछ ज्यादा ही बुद्धि लगा देता है और पेपर पे टॉयलेट कर देता है, इस सोच में कि टॉयलेट के पानी से ही शायद कोई गुप्त मैसेज निकल आए, मगर कुछ भी नहीं होता है। अब सबका दिमाग सही में दौड़ने लगता है। वो ये सोचते हैं कि जिस तरह ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ को डार्क रूम में एक स्पेशल तरह के लिक्विड में डुबो के डेवलप किया जाता है, उसी तरह अगर वो कहीं से कुछ स्पेशल टाइप का लिक्विड का बहाव कर दें तो कमरे में इंफ्रारेड लाइट्स की मदद से वो क्वेश्चन पेपर को ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो की तरह डेवलप कर सकते हैं और इससे शायद बात बन जाए। ब्रुनेट अब अपनी अकल लगाती है और वहाँ तैनात गार्ड के पॉकेट्स को टटोलना शुरू कर देती है, जिससे कि उसे एक लाइटर मिल जाता है। ब्रुनेट कमरे में लगे फायर अलार्म्स को चालू करती है।
इस उम्मीद में कि शायद वाटर स्प्रिंकलर्स में से पानी की जगह कुछ और टाइप का लिक्विड निकल आए जिससे उन्हें क्वेश्चन पेपर्स को फोटोज की तरह डेवलप करने में मदद मिले। वो टेबल पर चढ़ जाती है और लाइटर को जला के फायर अलार्म के पास ले जाती है, मगर अलार्म एक्टिवेट नहीं होता है क्योंकि दूरी कुछ ज़्यादा होती है। तभी वाइट वहाँ टेबल पर पड़े क्वेश्चन पेपर को मोड़ के ब्रूनेट को दे देता है। पेपर के एक छोर पे आग लगा के जब ब्रूनेट अलार्म के और नज़दीक पहुँचने में कामयाब होती है तो आखिरकार अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से लिक्विड्स की मोटी धारा नीचे गिरने लगती है, मगर उसका भी क्वेश्चन पेपर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और कोई ब्लैक एंड वाइट फोटो डेवलप नहीं होता है। ब्रूनेट को अचानक से ख्याल आता है कि उसका क्वेश्चन पेपर टेबल से गायब है। तब जाके उसे पता चलता है कि वाइट ने धोखे से ब्रूनेट के पेपर को ही फायर अलार्म्स को एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल करवा दिया था, जिससे ब्रूनेट के खुद के हाथों से ही उसके खुद का पेपर गंदा और खराब हो जाता है और वो बेचारी तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाती है। गार्ड आके उसे कमरे से बाहर फेंक देता है। वाइट अब डेफ के पीछे पड़ जाता है जो कि बस फ्रेंच बोलता है। वो मानसिक विकृति के लक्षण भी दिखाता है। डेफ अचानक से बड़े अजीब तरीके से फ्रेंच में कुछ बड़बड़ाता है और बोलता है कि उन सबको बस पेपर की तरफ ध्यान से देखना है और कुछ नहीं करना है, और अपने टेबल पर पड़े कुछ कांच के टुकड़ों को जो कि टूटे हुए बल्ब से नीचे आ गिरे थे उनको इधर उधर टटोलने लगता है। वाइट डेफ की हरकतों से चिढ़ जाता है और उसे रुला देता है। फिर वो डेफ को अपने पेपर को फाड़ के खाने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसा करते ही डेफ डिस्क्वालीफाई हो जाता है और गार्ड आके उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। असल में वाइट एक एक करके सबको डिस्क्वालीफाई करने का प्लान कर रहा होता है ताकि वो अकेला अंत तक बच जाए। उन्हें ब्राउन के बारे में यह पता चलता है कि वो एक पेशेवर जुआरी है। ब्राउन सबको बोलता है कि उसे पूरा यकीन है कि इस कमरे के उस पार कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग बैठ के उन्हें अभी देख रहे हैं और अपने में बाजी लगा रहे होंगे कि इन 8 कैंडिडेट्स में से कौन जीतेगा। डार्क के बारे में हमें यह पता चलता है कि वो एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है जिसे कंपनी के बारे में पहले से ही काफी जानकारी होती है, मगर बाकी किसी कैंडिडेट को कंपनी के बारे में कुछ खास पता नहीं होता है। तो इस बात पे सब मिलके शक करने लगते हैं कि वो शायद कंपनी के ही अंदर की कोई जासूस होगी जो कि उनके लिए गुप्त तरीके से काम कर रही है। ब्राउन डार्क को टॉर्चर करके उसे सवाल जबरदस्ती उगलवाने की कोशिश करता है। वो पेपर के धारदार कोने से डार्क के जांघों पे गहरे चोट पहुंचाता है, मगर अंत में उन्हें यह पता चलता है कि डार्क बेकसूर है। ब्लॉन्ड अपना एक प्लास्टिक बैंडेड डार्क को अपने घाव पे लगाने के लिए देती है। जैसे जैसे टेस्ट खत्म होने का टाइम नजदीक आता रहता है उनके बीच का तनाव भी बढ़ता रहता है। वाइट अपनी हरकतों से सबको इतना परेशान कर देता है कि ब्लैक गुस्से में आके वाइट को एक घूंसा मार के बेहोश कर देता है और ब्लैक और ब्राउन मिलके वाइट को एक चेयर से बांध देते हैं। तुरंत ही वाइट को दौरा पड़ने लगता है और उसे कपकपी होने लगती है। सब मिलके वाइट के दवाई को खोजने में लग जाते हैं जो कि उसे हर घंटे चाहिए होता है, वरना उसे दौरे आने लगते हैं। इसी बीच डार्क कमरे में लगे एक काले स्क्रीन की तरफ देख के इन्विजिलेटर से मदद की गुहार लगाती है। ऐसा करते ही वो एग्जाम के नियम का उल्लंघन कर देती है और उसे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। आखिरकार ब्लॉन्ड वो तुरंत वाइट को दवाई खिला देती है, तब जाके वाइट की हालत कुछ बेहतर होती है और उसे होश आ जाता है। वाइट होश में आते ही अपनी हरकतें चालू कर देता है और यह ऐलान करता है कि उनमें से बस एक ही जीत सकता है, और इसी बीच उसकी ब्लैक के साथ बहस छिड़ जाती है। दोनों दौड़ के जाके गार्ड के गन को लेने की कोशिश करते हैं। भयंकर तनाव में ब्लैक वाइट पे गन से शूट कर देता है, मगर गोली बंदूक से निकलती ही नहीं है। अब वो गन किसी तरह वाइट के हाथों लग जाती है, मगर फिर पहले की तरह गोली नहीं चलती है। तब जाके वाइट को पता चलता है कि गन केवल गार्ड के हाथों से ही चल सकती है। वाइट दौड़ के जाके गन को गार्ड के हाथ में पकड़ा देता है और खुद गार्ड को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। यहाँ पे दोस्तों आप सब सोच रहे होंगे कि गार्ड कुछ कर क्यों नहीं रहा था। तो दोस्तों एग्जाम के रूल ये होते हैं कि जब तक उन 3 नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा हो तब तक वो कुछ भी कर सकते हैं सवाल को ढूंढने के लिए। इधर वाइट बंदूक तान के सबको कमरे से बाहर जाके अपने आप को डिस्क्वालीफाई करने का ऑर्डर देता है। ब्राउन कमरे से निकल जाता है, ब्लॉन्ड भी कमरे से निकल जाती है, मगर निकलते निकलते वो कमरे के लाइट्स को बुझाने के लिए जो कि वॉइस एक्टिवेटेड होते हैं लाइट्स ऑफ चिल्ला देती है। ये करके वो ब्लैक को जीतने का एक मौका देना चाहती है। अंधेरे में वाइट ब्लैक पे गोली चला के उसे मार डालता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ब्लॉन्ड पूरी तरह कमरे से बाहर नहीं गई होती है और उसका एक पैर अभी तक कमरे के अंदर ही होता है।
यहाँ पे हम देखते हैं कि टेस्ट का टाइम खत्म हो चुका होता है और वाइट काले स्क्रीन की ओर देख के चिल्ला के बोलता है कि वो जीत चुका है क्योंकि बाकी सारे कैंडिडेट्स एलिमिनेट हो चुके हैं। हालांकि गार्ड आके उसे अपनी घड़ी दिखा के बोलता है कि एग्जाम का टाइम खत्म होने में अभी भी कुछ मिनट बाकी है। असल में डेफ ने डिस्क्वालीफाई होने से पहले रूम के घड़ी को एडजस्ट कर दिया था। वाइट को एहसास होता है कि वो अब भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा क्योंकि उसने टाइम खत्म होने से पहले ही इन्विजिलेटर के साथ संपर्क करने की कोशिश की है। इसी दुख और फ्रस्ट्रेशन में वो बंदूक अपने सर पर तान के सुसाइड करने की कोशिश करता है मगर बंदूक चलता ही नहीं है क्योंकि उसे भी गार्ड ही चला सकता है। आखिरकार गार्ड आके वाइट के कंधे पर हाथ रखता है और उसे कमरे से बाहर ले जाता है। ब्लॉन्ड अब फिर से अकेले एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाती है और अपना क्वेश्चन पेपर उठाती है। उसे जमीन पे डेफ का चश्मा गिरा हुआ मिलता है जिससे उठा के वो चश्मे के सहारे अपने क्वेश्चन पेपर में फिर से बड़े ध्यान से और इत्मीनान से इस बार देखती है तो पाती है कि पेपर में बहुत ही छोटे अक्षरों में वाटर मार्क के सहारे क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है। उसे अब पूरा खेल समझ में आ जाता है। वो जाती है और इन्विजिलेटर को क्वेश्चन पेपर वापस दे के बोलती है कि आपके सवाल का जवाब है नहीं, नो, और फिर हमें सवाल का पता चलता है। टेस्ट के शुरुआत में जब इन्विजिलेटर सारे नियमों को बता के सारे कैंडिडेट से पूछता है कि उनके पास कोई सवाल है कि नहीं, यही सवाल असल में टेस्ट का एकमात्र सवाल होता है जो पेपर में लिखा होता है क्वेश्चन 1 और जिसका जवाब ब्लॉन्ड नो बोल के देती है। उसे तुरंत जॉब ऑफर कर दिया जाता है। इन्विजिलेटर उसे बोलता है कि डेफी असल में कंपनी का मालिक है जो कि खाली फ्रेंच जबान बोलता है मगर साथ साथ एक दिमागी रूप से बीमार जीनियस साइंटिस्ट भी है और उसने एक ऐसे दवाई का आविष्कार किया है जिससे कोई भी घाव मिनटों में पूरी तरह भर जाता है। मगर ब्लॉन्ड बोलती है कि वो ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि इस भयंकर खेल में एक इंसान ब्लैक की जान चली गई है। इन्विजिलेटर उसे चौंका देता है ये बोल के कि किसने बोला ब्लैक मर चुका है। ब्लॉन्ड ब्लैक के पास जाके पाती है कि गोली का घाव पूरी तरह भर चुका होता है। इन्विजिलेटर उसे बोलता है कि उन्होंने पहले से ही बुलेट के अंदर डेफ के आविष्कार की हुई दवाई डाल दी थी जिससे गोली का घाव कुछ मिनटों में ही भर गया है। आखिर में इन्विजिलेटर फिर से बोलता है कि इस दवाई को बनाने का फॉर्मूला पूरी दुनिया में बस डेफ के फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास ही है, इसलिए इस नौकरी की महत्वता इतनी बढ़ जाती है जिसके लिए ही बस इतना कठिन और तनावपूर्ण टेस्ट सबसे लिया गया है ताकि उन्हें वर्ल्ड का बेस्ट कैंडिडेट वर्ल्ड के बेस्ट जॉब के लिए मिल पाए। ब्लॉन्ड तुरंत जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ पिक्चर का दी एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको रिव्यू एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज की रिकैप वीडियोस लाता रहूंगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए मूवी और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।